दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पाए तो मैं दिल्ली गया हुआ था। और अभी अभी एक गुड न्यूज़ आ गई है हमारी यूट्यूब फैमिली। और एक काटा मैंने इस वाले पेड़ से, ये ऊपर से। और जो ये आपके फूल दिख रहे होंगे तो इस झाड़ी को बोलते हैं हम पागल झाड़। तो पहले इसको बहुत यूज में लिया जाता था, जहाँ कहीं अगर कट फट जाता था तो इसकी पत्तियों को निचोड़ कर जैसे रस आता था उसको लगा देते। और ये है अल्मोड़ बोलते हैं इसको। तो ये आज का हेलो डिगड़ियो, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों जंगल से। आई मैं जंगल आया हूँ कुएं के लिए, क्योंकि बारिश आने का मौसम अभी हो रखा है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आए क्योंकि मैं गया हुआ था दिल्ली। तो दोस्तों, अचानक जाना पड़ गया था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमको दिल्ली भेजना पड़ा मम्मी को। और फिर मैं अगले दिन वहाँ से आ गया था घर। तो अचानक मतलब तबीयत ख़राब हुई, तो यहाँ तो उतनी सुख सुविधाएँ हैं नहीं पहाड़ों में, मतलब स्वास्थ्य वगैरह। तो ऐसे हो जाता है दोस्तों कभी कभी, आप क्या ही करें, कभी कभी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस दुनिया में कोई भी लोग खुश नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी कारण परेशान है ही। तो अब क्या कर सकते हैं। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम सुनसान हो रखा है अभी, और एकदम पैक हो रखा है और बारिश आने की पूरी संभावना है। और आज बताई भी गई हमारे पहाड़ों में बारिश, जैसे कल भी बताए गए थे और कल भी बहुत बारिश हुई दिन में। और यहाँ से अभी लोकेशन कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, अब थोड़ी बहुत धूप भी आ गई है और मैंने भी कुयूं काट दिया अपना पूरा, और इस वाले पेड़ से मैंने काटा। तो अब लगाते हैं कुयूं का भारा और चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, अभी दिन के 12 बज गए हैं और अभी अभी एक गुड न्यूज़ आ गई है हमारी यूट्यूब फैमिली 900 सदस्यों की कंप्लीट हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। और सिर्फ 100 सब्सक्राइब अभी दूर हैं हम अपनी यूट्यूब फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। 1K जब हो जाएंगे तब एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाएगा। और अभी वॉच टाइम जो है, वॉच टाइम घंटे अभी 2500 घंटे हुए हैं, तो अभी हमको 1500 घंटे और चाहिए, वो भी कंप्लीट हो ही जाएंगे धीरे धीरे। मतलब जिस हिसाब से चैनल पर वीडियोज़ आएंगी, जिस हिसाब से जो भी होगा काम होगा, तो उस हिसाब से वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। और अभी मैं हूँ अपनी मुर्गियों के साथ, यहाँ मुर्गी बच्चा रहा हूँ उनको। अभी थोड़ी बहुत धूप आया है तो उनको धूप खिला रहा हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ आजकल बहुत अंडे दे रही हैं और मेरे पास बहुत डिमांड है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है इस वजह से। और एक छोटा सा रोज़गार के रूप में मैं इनको लाया था, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। और पीछे हमारे बैल एकदम धूप सेक रहे हैं और घास खा रहे हैं अभी। और इधर एक भेड़ का बच्चा और बकरी के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे दो, तो वो भी धूप सेक रहे हैं अभी। तो दोस्तों, स्वरोजगार करना पहाड़ों में, तो मुर्गी पालन करना भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें बहुत फ़ायदा है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए, यानी कि इनके लिए सेपरेट जगह और जो भी अपना सिस्टम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके इनको रखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी शाम के 4 बज गए हैं और हल्की बहुत धूप भी लगी है, बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। और इस टाइम में हम अपनी बकरियों के साथ इधर, और यहाँ पर देखिए अखरोट का पेड़, तो इस पर जो ये लंबे लंबे लगे हुए हैं, तो ये अखरोट के फूल हैं, इन पर अखरोट, इन्हीं के सामने अखरोट आएंगे फिर। तो ऐसा कुछ सीन है अभी। और इस वाले पेड़ पर भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो दोस्तों जो ये खेत है अभी, तो ये है जिसमें बोए गए हैं जौ, और ये है सरसों,
और जो ही आपके फूल दिख रहे होंगे तो इस झाड़ी को बोलते हैं हम पागल झाड़। तो पहले इसको बहुत यूज में लिया जाता था, जहाँ कहीं अगर कट फट जाता था तो इसकी पत्तियों को निचोड़ कर जो इसका रस आता था उसको लगा देते हैं। और यह है अल्मोहर बोलते हैं इसको। तो ये आजकल ऐसा हो गया है, तो एक से एक चीज़ें होती हैं। और ये जख्या, इसको तो आप पहचानते होंगे। ये तो अभी शाम हो गई है और सभी लोग इधर उधर से घर को आते हुए तो आप मेरे ब्लॉग में इस पीली बिल्डिंग को देखते होंगे दोस्तों। तो ये है हमारे इधर का A&M सेंटर। ये हॉल ही में ही बना है और ये अब सरकार के हैंडओवर भी हो गया है और यहाँ पर स्टाफ भी आ गया है बाहर से, तो बहुत अच्छी बात है। और एक कमेंट भी आया था किसी भाई का कि आपके ब्लॉग में जो मंदिर रहता है वो किसका है। तो ये है बाबा भैरवनाथ जी का और देवी माँ का मंदिर, और हमारे गाँव वालों का है। और यहाँ कालिंका मंदिर की ओर से बादल आ गए हैं पूरे इधर को, वही बारिश वाले। तो दगड़ियों, तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। और मेरे पास आज कोई भी कंटेंट नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन जो भी था थोड़ा बहुत मैंने बना लिया है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपको एक नए ब्लॉग में देवी मुद्रागण खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों बारिश भी आने शुरू हो गई है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवी मुद्रागण।